Okay, welcome to class Azad, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss a different example of acidic salt, basic salt and neutral salt. At the previous lecture we have discussed that what is acidic salt, what is basic salt and what is neutral salt. Neutral salt are those which are formed by complete ionization of acid and base. And acidic salt are those which are formed by incomplete neutralization of acids, and basic salt are those which are formed by incomplete neutralization of base. मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के salt हैं, neutral salts, acidic salt and basic salt. तो आज हमने उनके example discuss करने हैं. Suppose अगर आपसे कोई कह दे कि जी basic salt जो है, basic salt ये क्या होता है, तो फिर आपने जो base लेना है, base वो polyhydroxy लेना है, base आपने polyhydroxy लेना है, और इसका acid जो है वो monoprotic ले ले. तो जब आप base पॉलीहाइड्रॉक्सी लेंगे, बेस का मतलब पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब है जिस बेस में एक से ज़्यादा OH हो. तो जब बेस आप पॉलीहाइड्रॉक्सी लेंगे और एसिड मोनोप्रोटिक लेंगे, तो जारी बात है एसिड ने फिर एक ही प्रोटॉन देना है. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बेस लिया AlOH होल 3 और इसका एसिड सपोज मैंने लिया HNO3. आपको मैंने बताया था ना कि जब भी हम एसिड बेस से साल्ट बनाएंगे तो एसिड से H प्लस आएगा और बेस से OH नेगेटिव आएगा. हाँ, जितने प्लस आएगा उतने नेगेटिव आएगा, बताया था. अब चूंकि एसिड मोनोप्रोटिक है तो जारी बात है वहाँ से एक ही H प्लस ने आना है. तो जब यहाँ से एक ही H प्लस ने आना है तो यहाँ पे तो OH 3 है नेगेटिव, तो फिर जारी बात है वहाँ से फिर एक ही OH नेगेटिव आएगा. सो ये दोनों मिल के क्या बन जाएगा, दैट इज़ वाटर. ये वाटर बना लेगा. बाकी जो रह गया, क्या रह गया, ओ ए एल ओ एच होल ट्वाइस एनओ थ्री रह गया. सो दिस सॉल्ट इज नोन एज वाटर, दिस इज बेसिक सॉल्ट. व्हाई इट इज बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसी सॉल्ट में जो बेस है पॉलीहाइड्रॉक्सी वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ है. मतलब उसने जो OH नेगेटिव डोनेट की है वो सारे नहीं किए हैं. देखिए तीन में से उन्होंने एक ही OH को डोनेट किया. अच्छा, एक ही क्यों किया है, क्योंकि जो एसिड है वो मोनोप्रोटिक है, वो एक ही H प्लस डोनेट कर रहा है. तो सारी बात है जब वो एक H प्लस डोनेट कर रहा है तो इसने एक OH नेगेटिव डोनेट करना है. सो इसी वजह से दो OH यहाँ पर रह गए. तो वो सॉल्ट जिसका बेस जो पॉलीहाइड्रॉक्सी होता है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो जाए, वो बेसिक साल्ट है. देखिए इसका एसिड कंप्लीट हुआ है, एक ही एच था, एक ही उन्होंने दे दिया. द एसिड इज आयनाइज कम्प्लीटली, मतलब एसिड ने एच प्लस कम्प्लीटली आयनाइज किया है, लेकिन बेस ने कम्प्लीटली OH नहीं दिया है. सो इसी वजह से ये बेसिक साल्ट होगा. तो कहने का मेरा मतलब है कि इन दोनों में से एसिड एंड बेस, दैट इज एसिड एंड दैट इज बेस, आई एम सॉरी, दैट इज बेस, दैट इज एसिड, कि इन एसिड और बेस में से जो चीज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो जाए. और हमेशा याद रखें जो पाली होता है, पाली मतलब जिसमें एक से ज्यादा एच या ओ एच होता है, उसी ने ही इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज होना है. तो वही साल्ट कहलाएगा. अगर सपोज यहाँ पे एसिड में तीन प्रोटॉन है, उनमें से एक चला गया या दो चले गए, एक रह गया, सो दैट इज पार्शियल आयनाइजेशन ऑफ एसिड. तो फिर इससे जो साल्ट बनना था वो एसिडिक होता. हाँ, अब अगर एक बेस है जिसमें एक से ज़्यादा OH है, उनमें से एक OH न्यूट्रलाइज हुआ, मतलब एक OH आगे चला गया, दो रह गए, या तीन में से दो चले गए, एक OH रह गया, तो इसका बेस इनकम्प्लीट हुआ, तो वो बेसिक होगा. तो कहने का मेरा मतलब है कि जो एसिड बेस में से इनकम्प्लीट हो जाए, इनकम्प्लीट का मतलब है कि वो सारे H या OH डोनेट ना करे, कुछ H या OH बच जाए,
वो वही साल्ट कहलाएगा। अगर सारे OH चले गए, कोई H बच गया तो एसिडिक साल्ट होगा। अगर सारे H चले गए, कोई OH बच गया, कहने का मतलब है कि अगर बेस इनकम्प्लीट हुआ, आयोनाइज न्यूट्रलाइज, तो बेसिक साल्ट होगा। अगर एसिड हुआ तो एसिडिक होगा। तो इसी में से आप देखते हैं, इसी साल्ट में देखिए, जरा साल्ट पे फोकस कर दे, कि जब साल्ट में OH आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेस जो है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ है। सो दैट्स वाई दैट इज बेसिक साल्ट, दैट्स वाई दैट इज बेसिक साल्ट। सो जैसे कि आप बुक में भी अगर आप देखना चाहे कि जी बेसिक साल्ट क्या होता है, उस अंदर भी अगर आप डिफिनीशन देखना चाहे तो उसने लिखा है कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस बाय एन एसिड। इस एसिड ने इस पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस को इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज किया है। कैसे? क्योंकि ये एसिड जो है वो एक एच प्लस दे रहा है। कितने एच प्लस दे रहा है? एक एच प्लस दे रहा है। तो सारी बात है, फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस से एक OH आएगा, क्योंकि एक ही प्लस है तो एक OH आएगा, बाकी दो OH नहीं आएंगे। तो इट्स मीन्स कि ये एसिड जो है इस पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस को कंप्लीट आयनाइज न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा। अच्छा, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज से क्या मुराद है? कंप्लीट न्यूट्रलाइज का मतलब है कि इसमें कितने OH है? तीन, तीनों की तीनों चले जाए, इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हाँ, अगर तीन में से एक चला गया या तीन में से दो चले गए, वो फिर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। तो इन तीन में से कितने जा रहे हैं? एक जा रहा है। सर बाकी क्यों नहीं जा रहे? डिपेंड ऑन एसिड, क्योंकि एसिड इसको कहता है कि आपने एक OH देना है, दो नहीं देने, तीन नहीं देने। क्यों कहता है? क्योंकि एसिड इज मोनोप्रोटिक। एसिड कितना H प्लस डोनेट कर रहा है? एक, तो OH भी एक होना चाहिए, H2O। तो इट्स मीन्स कि ये एसिड जो है इस पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, इनकम्प्लीट कर रहा है। देखिए, सारे OH डोनेट नहीं कर रहा है, इस पर एक दे रहा है, तो कहता है एक दे। सो सच अ सॉल्ट जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस से बना हो बाय एन एसिड, मतलब एसिड पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस को इनकम्प्लीट आयनाइज कर ले, सो दैट इज बेसिक सॉल्ट। फिर आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि बेस को उन्होंने कंप्लीट न्यूट्रलाइज किया या इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज कर दिया? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इस साल्ट में देखिए OH आपको नजर आ रहा है, जी OH नजर आ रहा है। जब OH नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये बेस इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ है। अगर ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता क्या बेस, तो फिर साल्ट में OH ना बचता। जब OH स्टिल बचे हैं तो इसका मतलब है कि इसका बेस इनकम्प्लीट आयनाइज हुआ है। सो सच अ साल्ट जो पॉलीहाइड्रॉक्सी बेस के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन बाय एन एसिड से बनता है, उसको हम बेसिक साल्ट कहते हैं। अच्छा, अक्सर लोग इस चीज में भी कंफ्यूज है, ये पॉइंट जरा मैं आपको क्लियर कर दूं कि सर जो साल्ट है वो तो बनता एसिड बेस से है। चलो ये तो मान लेते हैं कि एसिड बेस मिलके साल्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिड बेस मिलके साल्ट इन वाटर बनाए, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। फिर सवाल ये है कि सर एसिड बेस से साल्ट बनता कैसे है? देखिए, किसी भी एसिड से, किसी भी बेस से आपने साल्ट बनाना हो, कैसे बनाएंगे? मैं एक दफा बताता हूं, इसी पॉइंट को क्लिक करें। वेरी सिंपल, देखिए एसिड से H प्लस की डोनेशन करें, एसिड से H प्लस की डोनेशन कर ले, और बेस से OH नेगेटिव की डोनेशन करें, क्योंकि बेस OH नेगेटिव देता है और एसिड H प्लस देता है। अच्छा, यहां से H प्लस चला जाएगा, यहां से OH नेगेटिव चला जाएगा, लेकिन कितने H प्लस जाएंगे? आया सर सारे जितने हैं सारे जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल देखिए, उतने H प्लस जाएंगे जितने OH नेगेटिव जा रहे हैं, या जितने OH नेगेटिव जा रहे हैं उतने H प्लस जाएंगे। देखिए, अगर बेस में सलाहियत है दो OH नेगेटिव देने का, और एसिड में भी दो H प्लस देने की सलाहियत है, तो दो दो जाएंगे। लेकिन अगर सपोज एसिड में दो H प्लस जाने की सलाहियत है और बेस में एक OH नेगेटिव जाने की सलाहियत है, तो यहां से दो नहीं जाएगा, एक जाएगा। इन दोनों की तादाद आपने हमेशा इक्वल रखना है।
कितने H प्लस जाएंगे, जितने OH नेगेटिव जा रहे हैं, जितने OH नेगेटिव जा रहे हैं उतने H प्लस जाएंगे। ओके, यहाँ से H प्लस जाएगा, यहाँ से OH नेगेटिव जाएगा, दोनों मिल के क्या बनेगा, H प्लस OH नेगेटिव वाटर, वाटर बनेगा। अब बाकी क्या रह गया, देखिए यहाँ से OH नेगेटिव चला गया तो जारी बात है प्लस रह गया, यहाँ से H प्लस चला गया तो जारी बात है नेगेटिव रह गया, ऐसे ही है ना। दोबारा देखिए, यहाँ से OH नेगेटिव चला गया तो इसका मतलब है प्लस रह गया, यहाँ से H प्लस चला गया तो इसका मतलब नेगेटिव रह गया, यही नेगेटिव पॉजिटिव फिर आपस में मिलाए सो दैट इज सॉल्ट, ये पर सॉल्ट होगा। तो किसी भी एसिड बेस से सॉल्ट बनाना इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे, बेस से OH नेगेटिव जाएगा, एसिड से H प्लस जाएगा, दे मेक अ वाटर, और बेस से जब OH नेगेटिव जाए तो प्लस रह जाएगा, यहां से H प्लस जाए तो नेगेटिव रह जाएगा, वो प्लस नेगेटिव आपस में मिलके दैट इज व्हाट दैट इज सॉल्ट। क्योंकि मैंने आपको डिफिनेशन किया था सॉल्ट क्या होता है, जिसमें प्लस नेगेटिव दोनों हो लेकिन H प्लस OH माइनस ना हो। देखिए H प्लस OH माइनस तो चला गया ना, बाकी जो प्लस माइनस रह गया आपस में मिलके दैट इज सॉल्ट। फॉर एग्जांपल द एसिड इज HCl, द बेस इज NaOH, ओके, द एसिड इज HCl, The base is NaOH. अब देखिए मैंने क्या कहा था, एसिड से बेस से साल्ट बनाने का क्या तरीका है, एसिड से H प्लस जाएगा, देखिए H प्लस चला गया, बेस से OH नेगेटिव जाएगा, देखिए OH नेगेटिव चला गया, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दैट इज वाटर H2O। यहाँ से नेगेटिव चला गया तो सारी बात है प्लस रह गया, यहाँ से प्लस चला गया तो सारी बात है क्या रह गया, नेगेटिव, उन प्लस नेगेटिव को आपस में मिलाए Na प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन पहले कौन लिखना, लैडीज इज फर्स्ट, लैडीज इज फर्स्ट, तो पहले पॉजिटिव लिखना है देन नेगेटिव लिखना है, सो दैट प्लस H2O, H प्लस OH के मिलाने से। तो किसी भी एसिड, किसी भी बेस से जो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, वो वेरी सिंपल, एसिड से H प्लस जाएगा, बेस से OH नेगेटिव जाएगा, मेक अ वाटर और बाकी प्लस नेगेटिव आपस में मिलेगा, सो दैट इज सॉल्ट। लेकिन हमेशा याद रखिए कितने H प्लस जाएंगे वो डिपेंड करता है OH नेगेटिव पे, कितने OH नेगेटिव जाएंगे वो डिपेंड करता है पॉजिटिव पे, क्योंकि इनकी तादाद हमेशा हमने बराबर रखनी है। सो किसी भी एसिड बेस से सॉल्ट ऐसा बनता है, बात समझ आ गई ना। अच्छा, अब जब किसी भी एसिड बेस से सॉल्ट ऐसे ही बनता है तो फिर आप ये कहेंगे कि सर ये आप कैसे पता चलेगा, चलो सॉल्ट बनाने का तरीका तो हमने सीख लिया दैट इज न्यूट्रलाइजेशन, अब ये कैसे पता चलेगा कि जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। वेरी सिंपल, जरा इधर देखिए, इधर मेरी तरफ देखिए, सपोज द एसिड इज HCl, द बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ऐसे सॉल्ट तो पहले बना लो, मैं आपको बताता हूँ फिर एसिड से क्या आएगा, एसिड से आएगा H प्लस, कितने H प्लस है, एक ही है तो एक ही आएगा। अच्छा यहाँ कितने OH है, दो, लेकिन आएगा एक एक वजह, क्योंकि एक प्लस नहीं आना है तो एक नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, तो मुझे बताएं इसमें अब कंप्लीट कौन हुआ, इनकम्प्लीट कौन हुआ। देखिए HCl जो है वो कंप्लीट आयनाइज हुआ, कंप्लीट का मतलब है जितने H थे वो सारे दे दिए, लेकिन या न्यूट्रलाइज कह दें, न्यूट्रलाइज, लेकिन जो बेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ, वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ। वो कैसे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ, क्योंकि OH उसमें दो है लेकिन आया एक, इसका मतलब सारे OH नहीं आए, एक आया, सो इसका मतलब है कि बेस इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ, एसिड कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ। तो एसिड बेस में से जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो जाए सॉल्ट वही होगा। अब मुझे बताएं इनकम्प्लीट एसिड हुआ बेस हुआ, सर बेस हुआ, तो बेस तो सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक बनेगा। अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज एसिड होता तो पेरिसाइडिक सॉल्ट बनता, अगर मतलब जो इनकम्प्लीट हो जाए, जो पार्शियल न्यूट्रलाइज हो जाए एसिड बेस में से सॉल्ट वही होगा। एसिड इनकम्प्लीट आयनाइज हुआ तो साल्ट एसिडिक होगा, बेस इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ तो साल्ट बेसिक होगा। सर फिर अगर दोनों में से दोनों इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो गए या दोनों कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गए, हाँ फिर न्यूट्रल होगा, फिर न्यूट्रल होगा। बात समझ आ रही है ना। तो अब इसका क्या बनेगा, H प्लस OH नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, या वाटर बन जाएगा, H प्लस OH नेगेटिव मिलकर वाटर, बाकी जो बच गए बस उनको आपस में मिलाए। देखिए यहाँ से क्या बच गया, OH नेगेटिव चला गया एक तो रह गया ना, सो सी ए ओ एच, सी ए
OH, ये बच गया, और यहाँ क्या बच गया, Cl, तो that is salt. But this salt is known as what? That is basic salt. Why that is basic salt? यहाँ से भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस salt का base incomplete neutralized हुआ है. कैसे पता चला? देखिए, अगर acid incomplete neutralized होता, तो यहाँ पे H होता. जब यहाँ पे OH still रहता है, तो इसका मतलब है कि इस base ने सारे OH नहीं दिए, so the base is incomplete neutralized. So that's why that is basic salt. बात समझ आ गई? हाँ. फिर अगर इस चीज को मैं उलट कर दूं, सपोज यहां पे HCl मैं नहीं लेता एसिड्स, यहां पे सपोज मैं लेता हूं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. अब देखिए इसमें कितने H है, दैट इज एसिड, 3 H है. OH कितने हैं? 2. एक आएगा यहां से भी, एक आएगा जी यहां से, एक आ सकते हैं यहां से भी, एक आ सकते हैं. अगर यहां से तीन में से दो आना चाहे तो जी दो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहां से दो है. अगर यहां तीन, तीन नहीं आ सकते, क्योंकि फिर तीन एच के लिए तीन ओ एच होने चाहिए. हाँ, दो तक आ सकते हैं, दो एच प्लस आ गए, सारी बात है. दो एच नेगेटिव आएगा तो दो वाटर बनेंगे, 2H2. बाकी क्या बच गया? बाकी यहां कैल्शियम बच गया, क्योंकि दोनों ओएच चले गए. और यहां क्या बच गया? एक एच बच गया PO4. सो साल्ट कौन सा बनेगा? CaHPO4 प्लस 2H2O जी बनेगा. अब मुझे बताइए, ये जो साल्ट बन गया, दैट इज व्हाट? देखिए इसमें एच है, तो इसका कौन सा चीज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ? तो वही होगा. देखिए बेस में कितने ओएच थे? दो, दोनों चले गए. एसिड में कितने एच थे? तीन. चले कितने गए? दो. इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट हुआ, और ये क्या हुआ? इनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि तीन में से दो चले गए, एक रह गया है, दो में से दोनों चले गए, सो कंप्लीट. सो इसमें एसिड जो है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ. एसिड को इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज किसने किया? बेस ने किया. तो सच अ साल्ट, जब एसिड इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो जाए बाय बाय बेस, द नेम ऑफ साल्ट इज नोन एज व्हाट? दैट इज एसिडिक साल्ट. ये फिर क्या होगा? ये एसिडिक साल्ट होगा. तो कहने का मेरा मतलब है कि एसिड बेस में से जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो जाए, एसिड इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ तो एसिडिक साल्ट, बेस इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हुआ तो बेसिक साल्ट. अगर दोनों कंप्लीट हो गए या दोनों इनकम्प्लीट, वो फिर न्यूट्रल कहलाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल HCl है, सेकेंड NaOH है. कितने OH है? एक. कितने H है? एक. सो दैट इज कंप्लीट न्यूट्रलाइज, क्योंकि एक में से एक चला गया. दैट इज कंप्लीट न्यूट्रलाइज, क्योंकि एक में से एक चला गया. तो क्या बन गया? NaCl प्लस H2O. सो दैट इज न्यूट्रल साल्ट. ये भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना. कोई भी इनकम्प्लीट नहीं है, दोनों कंप्लीट कंप्लीट, न्यूट्रल साल्ट बनेगा. और इसका प्रूफ मैं आपको बता दूं, दोनों कंप्लीट आयनाइजेशन का क्या है कि देखिए, साल्ट में ना कोई एच है ना कोई OH है. जब ना कोई एच है ना कोई OH है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द साल्ट इज आयनाइज, द एसिड बेस इज आयनाइज बोथ कंप्लीटली, सो न्यूट्रल साल्ट बनेगा. सो कैसे पता चलेगा कि जी साल्ट जो बन रहा है एसिड बेस से वो कंप्लीट बन रहा है, एसिडिक बन रहा है, बेसिक बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है? तो वेरी सिंपल, जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो वो वही साल्ट कहलाएगा. तो इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैंने डिफरेंट तरह के शार्ट क्वेश्चन करने जो आपकी एक्सरसाइज में हैं, कि कैसे आप साबित करेंगे दैट एंड दैट. सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ द साल्ट इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.